माता जी मेरा शरीर हिलता है, और गाना वाना जैसे भक्ति चला दो तो और हिलता है, और उसके जी बाद दिन भर शरीर मेरा मतलब जैसे 5-5 मिनट को कोई एहसास दिलाता है कि ऐसा पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं 5-6 साल से परेशान हूँ और काम धंधा मेरा एकदम बंद हो पड़ा हुआ पड़ा है। अच्छा, मैं कहीं जैसे काम के लिए जाता हूँ ना तो मेरी उल्टी आँख फड़कने लगती है, और इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, समझ लीजिए मेरा सब काम धाम बंद पड़ा हुआ है। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर में। और ये हाँ जो शरीर में जो वाइब्रेट होता है आपके, जी, ये तो कभी भी होने लगता है बेटे, आपको निश्चित टाइम नहीं है, समय निश्चित नहीं है आपका, कि हाँ आपको कभी भी शरीर में कंपन होने लगता है, हाँ जी और उस कंपन के चलते आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि दैविक शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, और कभी कभी लगता है कि राक्षसी शक्तियां विद्यमान है, जिस कारण से मैं कोई भी कार्य में आगे बढ़ता हूं तो फेल हो जाता हूं। हाँ जी हाँ इन दोनों शक्तियों का टकराव जब होता है ना, अभी एक तो आपका मन ना ईश्वर भक्ति में कम लगता है, उचट उचट के लगता है, कभी मालूम है लगा ना। कभी नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पुजारी हैं, ऐसा नहीं है आपके हाँ संग। हाँ 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 हाँ, कि और ये जो अंदर आपके भाव बनते हैं, जो शरीर में कंपन होता है, हाँ जी इसका मूल कारण है कि आपके अंदर जो है पूर्व जन्म की जो दैविक शक्तियां हैं वो प्रेरित करती हैं, और इस जन्म में जो पूर्व काल के अनुसार जो शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो अंगारक शक्ति है, हाँ तेज जी होना, मतलब अंगार मतलब तेज, मंगल मतलब तेज, हाँ जी ये जब ब्लड में जब गर्मी होती है, गर्म होता है, तो वो शरीर में और कंपन महसूस करता है, नस नस में कंपन हाँ जी होता है, हाँ जी और ये जो है दैविक शक्ति और ये राक्षसी शक्ति दोनों का टकराव आपके शरीर में होने के कारण आप ना कोई अच्छा काम भी जल्दी से पूर्ण नहीं कर पाते, और जो आप चाहते हैं कि ये मेरे शरीर से शक्ति निकल जाए, मैं थोड़ा अच्छा हो जाऊं, मेरा काम चलने लगे, जो भी हाँ। आप अदृश्य शक्ति हैं, आप निकल जाओ बाहर, मुझे अपना और अपने परिवार के साथ सुंदर जीवन यापन करने दो, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसे वो जो शक्ति है वो राक्षसी शक्ति प्रबल हो रही है इस जन्म के प्रभाव ये राक्षसी से, ये तो कैसे? नहीं, इस जन्म में जो आप भक्ति नहीं करते ना, मैं तो मतलब नहा धो के कभी कभार पूजा हो जाती है बस हाँ, यही। वो कभी कभार चलते फिरते नमस्ते हो गया बस है, हाँ जी हाँ जैसे दोनों टाइम हमको अगर जीवन जीने के लिए दोनों टाइम भोजन करना निश्चित है, हाँ जी अनिवार्य है, हाँ जी इसी प्रकार आत्मा को भी भगवत भक्ति कम से कम दोनों टाइम तो देना चाहिए, और तो वो नहीं हो पा रहा है, और मैं ये आपसे शरीर का कंपन दूर हो, शरीर की जो है जो रोग सा महसूस होता है, तो ये रोग मुक्त भी आपका रोग मुक्त आपका जीवन होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाँ जी एक आध बार आप समय निकाल के माँ बगलामुखी शक्तिपीठ पहुंचे और अपने जीवन की आधी व्याधि बाधाओं से मुक्ति पाने का मार्ग प्राप्त करें। माता जी कहाँ, आपके यहाँ आना होगा? हाँ, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ है सिवनी में, वहीं मैं रहती हूँ, अच्छा, जबलपुर के पास है, अच्छा जी आप वहां से इलाहाबाद से सीधा जबलपुर के लिए ट्रेन भी है, हाँ जी तो जबलपुर से नागपुर के बीच है सिवनी, वहां अच्छा जी पहुंचना, मेन सिटी में माता जी मैं, अच्छा। हाँ तो माता जी, जैसे कोई काम करने जाता हूँ मेरी उल्टी आँख क्यों फड़कने लगती है ऐसा क्यों? वो सारे प्रोसेस आपको यही समझाई जाएगी, और माता जी की आराधना करने से, उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देने से बाधाएं से आप मुक्त होते हैं। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो क्या आदेश है आपका, ये बताइए फिर मैं उस हिसाब तो से काम। समय निकाल के एक आध बार बेटे से बात करना, अच्छा और माता जी के दरबार पहुंच के अपनी मन की सारी व्यथा व्यथाओं से मुक्ति पाने का मार्ग
करके, और फिर वही मार्ग को आप अपना करके भक्ति में लीन हो जाओ।